नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बिहार में एक बार फिर से एनडीए ने सबको चित्त कर दिया और बिहार की सत्ता अपने नाम की। बिहार के चुनाव में इस बार बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा हैं, यानी वो बड़ा भाई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार बीजेपी का सीएम होगा। ऐसी हर अटकल को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खारिज कर दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सीधा सवाल मैं ये पूछूंगा, बीजेपी कार्यकर्ता के मन में भी ये सवाल है, जेडीयू कार्यकर्ता के मन में भी सवाल है और बिहार वासियों के मन में भी ये सवाल है, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी अपना कुछ? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब फरवरी में माननीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने इसकी घोषणा की थी, उसी दिन से यह बात क्लोज हो चुकी है। यह सवाल केवल अब मीडिया में तैरता है, भाजपा कार्यकर्ताओं में इस तरह का कोई सवाल नहीं तैर रहा। नीतीश कुमार ही होंगे मुख्य, जाहिर बात है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है, भाजपा में इसके बाहर की कोई सुविधा उपलब्ध किसी को नहीं है। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहे सर जिसके वजह से ये इलेक्शन जो है वो टर्न अराउंड हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल या बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव जो है वो आगे निकल जाएंगे एनडीए से? सबसे बड़ा मुद्दा रहा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है, और गरीबों की झोपड़ी में जो सुविधाएं दी हैं, जो महिलाओं को उन्होंने जो स्वाभिमान और अधिकार दिया है, जो उनकी प्रतिष्ठा दी है, वह सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा बड़ा मुद्दा सुशासन था, और इन दोनों के कारण ही चौथी बार हम जीतने में सफल हुए। सर, एलजेपी आप लोगों से अलग होकर चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी के करीब है, तो क्या इस सरकार में हम देख सकते हैं कि एलजेपी के जो एक विधायक हैं वो भी सामने आएंगे, क्या इस तरह की कोई बात है? एनडीए गठबंधन चार दलों का गठबंधन है, उसके बाहर कोई नहीं है और उसके बाहर किसी के आने की जरूरत भी हमें नहीं है। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ बहुत थी, कहाँ चूक हो गई उनसे, आपको क्या लगता है किस वजह से जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स में वोटर्स जो है वो तब्दील नहीं हो पाए, जो रैली में लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ है कि गप उतना ही मारिए जितना पच सके, आप इतना बड़ा गप आपको नहीं मारना चाहिए जो आप पचा नहीं सकें। आपके पास उदाहरण है कि 12 विभाग के आप मंत्री थे, आपने एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया। आपके पास उदाहरण है कि झारखंड में आपकी सरकार है, आप एक साल में 8,000 नौकरी दे रहे हैं। आपके पास उदाहरण है कि आप कांग्रेस की पंजाब में आपकी सरकार है जो भारत का सबसे अमीर राज्य है, वहाँ आप 16,000 नौकरियाँ देते हैं एक साल में। तो उतना ही गप मारना चाहिए जितना पच सके, इतना बड़ा गप कभी नहीं मारना चाहिए जो रफू भी नहीं हो सके। सर, आज क्या कोई एनडीए के घटक दलों की बैठक है, कुछ घोषणा करने वाला? ये मेरा काम नहीं है, ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय होता है। हमारा कार्य संगठनात्मक है, हम आज से अपने संगठनात्मक कार्य में लग गए। शुक्रिया। तो संजय जायसवाल थे जो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ने इतनी बार बड़ा वादा कर दिया है जिसे वो पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे राज्यों में जो सरकार है वो इस तरीके के किसी भी वादे को पूरा करने में असफल रही, और यही जो है वो एक टर्न अराउंड था। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पटना। तो एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर नीतीश के समर्थन में भी पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर में नीतीश कुमार को अगला सीएम बताया गया है। पटना से इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले पोस्टर भी लगे हैं। ये जेडीयू दफ्तर के बाहर भी हमने पोस्टर देखे थे, अब ये पोस्टर जो हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर भी लग गए हैं। एनडीए को जीत मिली है उसके बाद ये पोस्टर्स लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीर है। देश की बिहार की धड़कन नीतीश कुमार को बताया गया है, देश की धड़कन नरेंद्र मोदी को बताया गया है। डबल इंजन की सरकार ने फिर रचा इतिहास, साथ ही वेलकम पीपल्स सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार। ये पोस्टर्स जो हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं। कल हमने देखा था कि यही पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे थे, अब ये पोस्टर्स जो हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे हैं। एनडीए की जीत हुई है और उसके बाद ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन पोस्टर्स हैं। तीसरे पोस्टर में लिखा गया है बिहार में क्या बा नीतीश कुमार बा। तो ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव जीतते हैं वो, चाहे किसको भी कितनी भी सीटें आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तरीके से बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को वो बात याद दिलाने की कोशिश की गई है। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पटना।